नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में विकास मार्ग पर तेज रफ्तार वैगनार कार देर रात हादसे का शिकार हो गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लड़कियां जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान दोनों लड़कियों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है, जबकि अन्य घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल घायलों और मृतकों की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक वैगनार कार में सवार लोग दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके से एक फंक्शन अटेंड करके कड़कड़डूमा अपने घर जा रहे थे, तभी विकास मार्ग पर हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज थी, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल इस संबंध में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार कार हादसे का शिकार कैसे हुई। हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार एक तरफ से सड़क पर पलट गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया था। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।